साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं आज आप लोगों को वेनस अल्सर के बारे में बताऊंगा। तो ये क्या होता है वेनस अल्सर? आप लोगों ने बहुत टाइप का घाव यानी अल्सर देखा होगा, लेकिन ये वेनस अल्सर एक टिपिकल यानी अलग टाइप का अल्सर है। तो ये कहाँ होता है? नॉर्मली हम लोग का जो पैर होता है और पैर के मिडिल एस्पेक्ट यानी जो हमारा अंदरूनी साइड और नीचे की तरफ होता है, जब जहाँ पे एक थोड़ा गांठ रहता है पैर में, तो उस जगह में टिपिकली ये अल्सर रहता है। तो ये क्यों होता है ये अल्सर? ये नॉर्मली जो लोग ज्यादा टाइम खड़े होकर काम करते हैं, नहीं तो जिन लोगों का वेरिकोज वेन रहता है यानी जिन लोगों का वेन थोड़ा ढीला ढीला रहता है, नहीं तो कुछ कुछ लोगों का ऐसे जेनेटिकली रहता है जिसका वेन ढीला रहता है, नहीं तो एक एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम बोल के एक बीमारी रहता है उसके वजह से होता है। तो इन लोगों में ये अल्सर ज्यादा पाया जाता है। तो अगर ऐसा अल्सर होता है तो आपको प्रॉब्लम क्या होता है? ये क्रॉनिक नॉन हीलिंग अल्सर होता है, यानी बहुत दिन तक टिकता है और जल्दी जल्दी ठीक भी नहीं होता है। बहुत सारे डॉक्टर पास पेशेंट घूमते रहते हैं और जो नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट है स्किन के डॉक्टर को छोड़ के बाकी जो दूसरा डिपार्टमेंट का डॉक्टर होते हैं सबको इसके बारे में इतना आइडिया नहीं होता है, जो जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं कि नहीं तो आसपास जो दुकानदार होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं एंटीबायोटिक ही देते रहते हैं पेशेंट को, एक से दूसरा से तीसरा एंटीबायोटिक ट्रायल करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये घाव इतना जल्दी ठीक नहीं होता है। क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई इन्फेक्शन नहीं रहता है, ये वेनस इनसफिशेंसी के वजह से होता है, यानी वेन थोड़ा लूज होता है जहाँ से बहुत ज़्यादा खून आके पैर में जमने लगता है, छोटा सा कोई चोट लगने के बाद नहीं तो कोई इंजरी होने के बाद वहाँ पे वो घाव हो जाता है और सूखता नहीं है जल्दी। जिन लोगों का ज़्यादा ओबेसिटी यानी वजन ज़्यादा है तो उन लोग को भी ये ज़्यादा पाया जाता है। तो इसमें ज़्यादा पेन नहीं होता है यानी पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है, लेकिन ये घाव जल्दी सूखता नहीं है। तो ऐसा अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इमिडिएटली आपके आसपास जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके पास जाके दिखाइए, नहीं तो और एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जन CTVS डॉक्टर, वो लोग भी इसके लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, नहीं तो नॉर्मल कोई अच्छा सर्जन डॉक्टर को भी आप दिखा सकते हैं। तो वहाँ पे जाने के बाद वो उसको पहले देखेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, वो वही वाला अल्सर है कि दूसरा कोई अल्सर है वो पहले फर्क करना पड़ता है। और भी कुछ अल्सर है जो घाव है जो वैसा ही दिखने लगता है जैसे कि आपका नॉर्मल कोई इंजरी हुआ उसका घाव, पायोडर्मा गैंग्रेनिज्म बोल के इंजरी हुआ घाव हुआ उसमें भी ऐसा दिखता है, एक होता है एट्रियल अल्सर वो भी ऐसा दिखता है। तो वैसे और भी बहुत सारा अल्सर यानी घाव है जो वैसा दिखता है, कैंसर है कैंसर भी वैसा दिखता है। तो ये सब पहले वो एक्सक्लूड करेंगे वो वाला कोई घाव है कि वेनस अल्सर है। इसके बाद आपको हो सकता है आपको टेस्ट करने के लिए दे, आपको एक डपलर टेस्ट होता है कलर डपलर टेस्ट, उसमें वो टेस्ट से पता चल जाता है कि आपका वेन सब ठीक ठाक है कि नहीं, अंदर का जो वेन में वाल्व रहता है वो वाल्व ठीक है कि नहीं वो सब देखते हैं। इसके बाद वो डायग्नोसिस होने के बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। कभी कभी अगर ये अल्सर बहुत ज़्यादा दिन रहता है यानी 6 महीना 8 महीना कि ना ज़्यादा रहता है तब आपको स्किन बायोप्सी की जरूरत हो सकता है, वहाँ से घाव से छोटा सा चमड़ा काट के मांस काट के वहाँ से बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। कभी कभी कोई भी घाव बहुत ज़्यादा दिन रहने के बाद वहाँ से स्क्वामस सेल कार्सिनोमा यानी स्किन कैंसर भी हो सकता है, तो इसको भी दिमाग में रखना जरूरी है। तो इसका ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है? डॉक्टर देखता है कि आपका क्या क्या स्किन में प्रॉब्लम है। ये घाव के साथ साथ आपका एक्जिमा भी रहता है, हमने दूसरा वीडियो में बताया है कि स्टासिस एक्जिमा क्या होता है। वो एक्जिमा जैसे फाइंडिंग में कुछ मिल सकता है पैर में, जैसे कि आपका वहाँ पर स्किन आपका खुजली हो सकता है, चमड़ा निकल सकता है, वहाँ पे छोटा मोटा क्रैक भी हो सकता है, वहाँ से स्किन काला हो सकता है मोटा हो सकता है। तो ये सब का भी ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं क्रीम के फॉर्म में, ये तो नहीं तो खाने के टैबलेट में देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना वजन है क्या सीरियस है, तो उसके हिसाब से वो डॉक्टर चूज करेंगे कितना देना है। इसके साथ साथ आप कुछ जनरल एडवाइस भी मेंटेन करना है, जैसे कि आपको पैर ज़्यादा टाइम लटका के नहीं बैठना है यानी हैंग करके नहीं बैठना है, जब भी बैठते हैं सामने एक थोड़ा ऊंचा वाला कोई सामान रख के पैर ऊंचा करके बैठिए, ज़्यादा टाइम आप खड़े मत रहिए। अगर खड़े रहने का जॉब करते हैं या करना ही पड़ता है तो उस टाइम में आप क्रेप बैंडेज बांध सकते हैं पैर में, नहीं तो इलास्टिक स्टॉकिंग आता है आपके साइज के हिसाब से आप वो यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका खून ज़्यादा पैर में ना जमे, इससे बहुत अच्छा हेल्प होता है। और जब सोते हैं आपका बेड लेग रहा जिस तरफ रहता है यानी फुट की तरफ से आप थोड़ा उसको ऊंचा कर दीजिए, नहीं तो पाँव के नीचे एक तकिया देके सोइए, उससे भी आपका पैर में ज़्यादा खून नहीं जमता है और ये सीरियस
अवेयरनेस थोड़ा कम हो जाता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि सुबह उठ के थोड़ा घाव में फर्क लगता है, पैर फूलना थोड़ा कम लगता है, लेकिन शाम को जब हम काम करके लौटते हैं नहीं तो खड़े होके बहुत टाइम आते हैं तो फिर फूल जाता है और पेन होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम स्टासिस यानी खून जमने के कारण से होता है। और भी खाने का दवाई जैसे कि आपका पेटोक्सीफाई लेना, एस्पिरिन, ऐसे बहुत सारा दवाई देते हैं जो आपका खून को थोड़ा लिक्विडफाई करता है और सर्कुलेशन बढ़ाता है। उसके साथ आपका विटामिन सी की टैबलेट भी दिया जाता है जिससे आपका कोलाजिन सिंथेसिस होता है और आपका वेन थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो इसके साथ और भी बहुत कुछ है, वो कॉम्प्लिकेशन देखने के बाद, घाव देखने के बाद आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर किसी को ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग यानी बहुत दिन से कोई घाव है, पैर में सूख नहीं रहा है, तो बिल्कुल आप अपने नज़दीकी कोई भी अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाइए। और इसमें और एक थेरेपी आजकल नया चल रहा है, बोलते हैं पीआरपी थेरेपी, और ये पीआरपी थेरेपी बहुत इफेक्टिव है, उससे ठीक होता है। जल्दी से जल्दी इसको इलाज करना जरूरी है, नहीं तो ज़्यादा दिन रहने से आपका स्किन में वो घाव में कैंसर भी हो सकता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर करिए जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।